प्रिय विद्यार्थियों, आरसी एजुहा बालसर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इलेवंथ क्लास फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। इसका नाम है, चैप्टर का नाम है भौतिक जगत। भौतिक जगत एवं मापन, इस चैप्टर का नाम है भौतिक जगत एवं मापन, हमारा पहला चैप्टर है। देखो, इस चैप्टर में वैसे बेसिकली बता रखा है कि भाई जो भौतिक विज्ञान है वो किसे कहते हैं, कैसी परिभाषा है, और इसमें केवल बस वही बात करके भौतिक विज्ञान क्या है, कौन कौन शाखाएं हैं, कितने प्रकार है शाखाओं के, कितनी शाखाओं उसको बांटा गया है, ये थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम बात करें भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, परिभाषा की बात करें। जैसे विज्ञान की परिभाषा हम देते हैं कि भाई प्रकृति में कर्म धन से शुरू, वैसे कुछ ज्ञान में विज्ञान कहलाता है, ऐसे हम भौतिक विज्ञान की परिभाषा देते हैं। तो क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक रूप से होने वाली घटनाएं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं होती हैं, इसकी दो शाखाएं होती हैं। इसकी पहली शाखा होती है चिरसम्मत भौतिकी। इसकी मुख्य रूप से दो शाखा होती हैं, चिरसम्मत भौतिकी और सेकंड होती है आधुनिक भौतिकी। ये इसकी दो मेन शाखा होती है भौतिक विज्ञान की, आधुनिक भौतिकी और तिरसम्मत भौतिकी। ये दो भौतिक विज्ञान की मेन शाखा होती है। अब देखो, ये जो है, ये जो भौतिकी है, तिरसम्मत भौतिकी, ये क्या है, इसमें बदलता है कि सन 1900 से पहले किए गए सभी प्रयोग, जो सभी अध्ययन जो किए गए थे, जो प्रयोग के आधार पर जो परिणाम दिए गए थे, सभी अध्ययन इस भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। और सन 1900 के बाद और आज वर्तमान समय तक जो भी अध्ययन किए गए, जो प्रयोग किए गए, सभी वो इस भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। आगे इनको कई शाखाओं माना गया है। तो ये हमारा बेसिक था इनका, कई कौन कौन शाखा होते हैं भौतिक विज्ञान की और कौन कौन शाखा उनको बांटा गया है। अब इसका हमारा जो मेन जो हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है भौतिक राशि। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। ये सब की परिभाषा है, केवल बेसिक है कि भाई इसकी दो शाखा होती है। अब हमारा मेन जो टॉपिक है वो हमारा आता है भौतिक राशि, जहां से हमारे फिजिक्स का बेसिक शुरुआत होता है भौतिक राशि। देखो, अभी तक हम जैसे 10वीं क्लास में आप मानव आपके पास आउट किया है, तो आप नहीं जानते कि भाई बल क्या होता है, कार्य क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, ये क्या होते हैं। लेकिन स्टार्ट में यहां से आप सीखेंगे कि क्या होते हैं भाई बल, कार्य, जो वेग है, ये क्या क्या है, कौन सी राशि होती है, वो किसमें बांटा गया है, कैसे इनको विभाजित किया जाता है। तो ये शुरुआत आपकी यहां से होती है। देखो, तो क्या है, परिभाषा की बात करें, भौतिक राशियां ऐसी राशियां जिनको मापा या तोला जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियां कहा जाता है। देखो, जैसे जैसे अगर मानो कमरा है, हम कमरे की लंबाई माप सकते हैं, उसकी चौड़ाई माप सकते हैं। माना को वजन मापना है, आपने माना कि जो मार्कर ऐसा वजन अपन तोल सकते हैं, भाई 100 ग्राम का है, 50 ग्राम का है, ठीक है, अपने तोल लिए इसको, अपने कमरे की चौड़ाई लंबाई माप ली। तो अपन जो लंबाई मापी है भाई सेंटीमीटर में है या मीटर में है या किलोमीटर में, जो भी है, ये ग्राम में है या किलोग्राम में है, इन सबको भौतिक राशियों में बांटा गया है। तो ऐसी राशि जिनको मापा या तोला जा सकता है, उनको हम भौतिक राशियां कहा जाता है। अब भौतिक जो राशियां है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला है इनका प्रकार मूल राशियां और इनका दूसरा प्रकार है व्युत्पन्न राशि। ये
ये दो प्रकार है भौतिक राशियों के, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, ये दो प्रकार है। देखो मूल राशि क्या होती है, मूल राशि सात होती है। ये ऐसी राशियां होती हैं जो अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं होती हैं, ये स्वतंत्र होती हैं, इनको मूल राशियां कहा जाता है। यानी जो राशियां किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उनको मूल राशियां कहा जाता है, और ये सात होती हैं। जी हाँ, ये जो मूल राशियां अपने फिजिक्स में केवल सात होती हैं। देखो कौन कौन सी होती, देखिए ये मूल राशियां सात कौन कौन सी हैं। देखो तो इनकी एक सूत्र सही है याद करने की, उसका नाम है तावीज पसंदा। ये छोटी शॉर्ट ट्रिक्स है, इस शॉर्ट ट्रिक से आप इन सात राशियों के नाम याद रख सकते हो। देखो कैसे, देखिए ता से बनेगा ताप, इसको बोलते हैं इसमें टेम्परेचर। वी से बनेगा विद्युत धारा, विद्युत धारा। जैसे बनेगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। पैसे बनेगा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। सैसे बनेगा समय, और लय से बनेगा लंबाई, और दैसे बनेगा द्रव्यमान। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए ये हमारी शॉर्ट ट्रिक्स है, अगर वैसे आपको याद नहीं होती है भाई आप भूल जाते हैं तो इनका ये एक शॉर्ट ट्रिक्स हमने बनाई है, इससे आप इनको आराम से याद रख सकते हो। ये अपने परीक्षा के बेस है। सबसे पहले आपको ये जानना कि भौतिक राशियां क्या होती है भाई, बल है, वेग है, चाल है, कार्य, ये सब हमेशा काम आए हर चैप्टर में, इनको जानना कि भौतिक क्या है, तो हम इनको भौतिक राशियां कहते हैं। क्योंकि भाई हम बल को माप सकते हैं कितना बल लग रहा है, हम दूरी माप सकते हैं, हम चाल को माप सकते हैं, ठीक है, ये सब हम इनको माप सकते हैं, वजन है इस वजन को तोल सकते हैं, तो ये सब भौतिक राशियां होती है। और इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां सात होती हैं, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, समय, लंबाई और द्रव्यमान, ठीक है। तो ये होती है सात मूल राशियां और सात इनकी मात्रा होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की, कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। तो व्युत्पन्न राशियों को होते ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं, या जिनको मूल राशियों की सहायता से बनाया जा सकता है, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है, या अनुपम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, क्योंकि जो मूल राशियां हैं उन पर ये डिपेंड रहती है व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। तो ये हमारा था मेन टॉपिक इसमें आज का, कि भाई भौतिक राशि क्या होती है, मूल राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है, मूल राशि कई प्रकार कौन कौन से होते हैं। तुम्हें पता है कि मूल राशि जो है वो सात प्रकार की होती है, ठीक है, इनके सात प्रकार है। और व्युत्पन्न राशियां जो ऐसी राशियां होती हैं जो मूल राशि पे डिपेंड करती हैं। तो कैसे, जैसे माना कार्य है, जैसे अब जो कार्य है, जो अपना कार्य है, कार्य कैसे बनता है, कार्य हम बराबर जानते हैं कि कार्य गुण क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। अब देखो जैसे संवेग होता है, संवेग है, संवेग भी बराबर क्या होता है, एमवी, मतलब द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। तो देखो संवेग जो होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा वेग, एम द्रव्यमान भी यहां पे क्या है, वेग है। तो देखो अब बल है, कार्य है और संवेग है, तो कार्य संवेग व्युत्पन्न राशि, क्योंकि देखो क्योंकि यहाँ पे विस्थापन काम में आ रहा है, विस्थापन मतलब लंबाई पे, लंबाई को
और विस्थापन एक ही बात है या काम में आ रही है। अगर देखो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, तो इस तरह से इसमें तो द्रव्यमान काम आ रहा है। द्रव्यमान कैसे राशि, देखो द्रव्यमान मूल राशि है जो कहां काम में आ रहा है, संवेग वेग के साथ में, तो संवेग हो गया, कार्य हो गया, ये सब क्या होती है, व्युत्पन्न राशि होती है। यानी इन सात राशियों को छोड़ के जो राशि बच गई वो सब व्युत्पन्न राशि होती है, क्योंकि वहां कोई ना कोई वहां पे मूल राशि काम में आती है, मूल राशि की सहायता से इनको बनाया जाता है। तो भाई कार्य है, समय के एग्जांपल है, ये होती है आपकी व्युत्पन्न राशियां, और ये सात होती है मूल राशियां। ये आपके शॉर्ट ट्रिक्स याद करने की है। ताबीज पसंदा, ता से ताप, पी से विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पै से पदार्थ की मात्रा, स से समय, और न से लंबाई, त से द्रव्यमान। तो ये था मन टॉपिक आज का, भौतिक राशियों के प्रकार और कैसे उनको आपको याद करना है, क्योंकि अपना बेस फिजिक्स में यहाँ से स्टार्ट होता है भौतिक राशियों से। फिर इस बार पढ़ेंगे मात्रक क्या होते हैं, मात्रक के प्रकार क्या होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आप इनको याद करेंगे उतारेंगे। थैंक यू।